जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, और अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको 2 से 3 कैटेगरी के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये जो रहेगा एक CV सिलेक्शन रहेगा, आपको CV ज़रूर भेजना है अपना, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा। और ये इसमें एक लेबर कैटेगरी के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप लेबर कैटेगरी से हैं तब भी इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके बिना पे किसी भी भाई बंधु को जो मिल सके और वो अपनी लाइफ सेट कर सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल वगैरह में और टाइटल में देख लिया होगा कि हम जो बात करेंगे वो वेटर से रिगार्डिंग बात करेंगे, और हमारे पास में वेटर की रिक्वायरमेंट है। लगभग हमें 15 बंदे चाहिए वेटर में, और सऊदी अरब के लिए चाहिए, रियाज के लिए, ठीक है। रियाज और एक जगह और है, जो क्या ये दोनों जगह से आपको कोई सी भी जगह आपको जो मिल जाएगी यहाँ पर, और ये एक CV सिलेक्शन रहेगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इंडिया का एक्सपीरियंस आपका इसमें चलेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। इंडिया में भी कहीं भी आपने अगर काम किया है वेटर में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश और अरबिक आपको आना ज़रूरी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका मैं कुछ टर्म कंडीशन आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और किस तरह से आपका सिलेक्शन रहेगा, और ये जो काम है इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें तो प्रॉपर भेजें, क्योंकि अगर आपको पता है CV सिलेक्शन में आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, और कम से कम आपका 2 से 3 साल का वेटर में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तब भी आप अपना CV में एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें, अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश आती है तब, क्योंकि आपको पता है अगर आप वेटर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। और इसमें जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अदर बेनिफिट्स जो होंगे आपको सऊदी के लेवलों के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें ड्यूटी जो रहेगी आपकी 9 घंटा की ड्यूटी रहेगी, और 9 घंटे की जो सैलरी है आपकी वो है 1500 रियाल। 1500 रियाल सैलरी है, लेकिन ये एक CV सिलेक्शन है। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, पासपोर्ट का दोनों साइड स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फोटो वाइट बैकग्राउंड में, और आपका एक CV ज़रूर होना चाहिए जिसका जो है अपडेट होना चाहिए वो वेटर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप भेजें तो इंशाल्लाह आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारे पास में दूसरी, और इसमें जो मैं आपको एज बता देता हूँ, एज बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो एज जो आपकी होनी चाहिए वो 21 से 30 साल के अंदर होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर का इसमें कैंडिडेट नहीं चल पाएगा, और अगर आपकी एज 30 से नीचे है, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो इंशाल्लाह आपका इसमें काम हो जाएगा। आप बेटेशन अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और अगर आप ऑफिस आना चाहें तो डायरेक्टली दिल्ली ऑफिस आ सकते हैं और विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमें चाहिए वो दमाम के लिए, ये भी सऊदी अरब का काम है। दमाम के लिए जो चाहिए वो मजरा के लिए हेल्पर चाहिए, और मजर में जो आपको काम करना है, आपको पता है जैसे कि आप अगर आपको हार्ड वर्क आता है करना तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन वगैरह है, अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं सैलरी देख के अप्लाई कर देते हैं लेकिन वहाँ पर जब काम करना पड़ता है तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे, अगर आपने कोई भी काम नहीं किया तो प्लीज़ इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। अगर आप एक हार्ड वर्क करने वाले बंदे हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये मजरा हेल्पर हमें चाहिए, 10 बंदे चाहिए इसमें, और पासपोर्ट कोई भी हो आपका, ACR और SNR दोनों चलेगा, पढ़े लिखे अनपढ़ दो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे भी हैं आप इसमें तो हार्ड वर्क अगर आप कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 1200 रियाल, और ड्यूटी 10 घंटे की आपकी रहेगी, 9 से 10 घंटे की। कंपनी आपको जो प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करिए। अदर बेनिफिट जो है आपको वो सऊदी के लेवलों के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर कोई भी कैंडिडेट मजरा हेल्पर में अप्लाई करना चाहता है तो जो मजरा होता है, जैसे कि छोटे छोटे मतलब जंगल होता है, वहाँ पे 2-3 हाउस वगैरह बने होते हैं,
ऐसी भी जगह होती है, कुछ मजरा उसे भी बोलते हैं, कुछ मजरा ऐसे भी होता है जहाँ पे कोई आबादी नहीं होती है और बंदे को वहाँ पे काम करने के लिए डाल दिया जाता। तो इस तरह का भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के मजरे में डाला जाए और कहाँ पे आपको डाला जाए। तो आप ये माइंड में रख के चलिए कि हमें हार्ड वर्क करना है, अगर हम अप्लाई करना है तो हम हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए एग्री हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं कि घर से तो शौक शौक में निकल जाते हैं कि मुझे फ़्लाइट में बैठने मिलेगा और मैं एक बार विदेश घूम का आऊँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, विदेश में पहुँचते हैं, काम पे लगते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये काम तो मुझसे नहीं बताया गया था, ये चीज़ तो मुझसे नहीं बताई गई। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो बंदा जिस काम के लिए भेजा जाए तो वो उस चीज़ का ध्यान रखे कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और मेरा काम क्या रहेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके प्रोफाइल से कोई भी जॉब मैच करती है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अन्यथा आप इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपके रिगार्डिंग कोई ना कोई जॉब ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।